हेलो दोस्तों, टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है हमारा, ये टाइप्स ऑफ सीसीटीवी कैमरे से लेके रिलेटेड है। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं या आप अपने यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो एंड तक आप इस वीडियो में बने रहिए, जिससे कि आपको इसमें कंप्लीट डिटेल मिलेगी कि कैसे आपको कौन सा सीसीटीवी कैमरा आपको सेलेक्ट करना है आपको अपने पर्पज के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो टाइप्स ऑफ सीसीटीवी कैमरेज, इसमें सबसे पहला टाइप आता है डोम कैमरा, सेकंड आता है सी माउंट कैमरा, थर्ड आता है डे एंड नाइट कैमरा, देन कलर व्यू कैमरा, देन माइक्रो कैमरा और स्पाई कैमरा इसको बोलते हैं, वाईफाई कैमरा, पीटीजेड कैमरा, आईपी कैमरा एंड एएनपीआर कैमरा। तो अब लेट्स डिस्कस वन बाई वन, वो हम देखते हैं। सबसे पहला कैमरा आता है डोम कैमरा। जैसा कि नाम से ही आपको पता लगता है कि डोम कैमरा, डोम कैमरे का मतलब है कि ये एक, इसकी जो शेप होती है ये डोम की तरह होती है और ये वैंडल प्रूफ होता है। वैंडल प्रूफ का मतलब ये होता है कि ये एक इंटरनेशनल रेटिंग होती है, दैट इज IK10 रेटिंग। दैट मींस कि आप इसको एक 5 kg वेट से आप अगर उसको हिट करते हैं अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 40 cm डिस्टेंस से एंड विद ए फोर्स ऑफ 20 joules एनर्जी के साथ, तो ये ब्रेक नहीं होगा। दैट मीन्स कि ये एक रिजिड कैमरा होता है और जहां पर कॉमन प्लेसेस होते हैं, जहां पर रिस्क फैक्टर ज्यादा होते हैं, वहां पर इसके कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मेट्रोज में, जहां पर आप देखते हैं कि कैमरा इज अप्रोचेबल, बहुत ही पास आपके कैमरा लगा रहता है, लेकिन अगर आप उसे ओपन करना चाहते हैं या उसे ब्रेक करना चाहते हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक एंड वेरी डिफिकल्ट टू ओपन। बिकॉज क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये स्क्रू ड्राइवर, जो नॉर्मल हैक्स स्क्रू ड्राइवर होता है या प्लस स्क्रू ड्राइवर होता है, ये उससे ओपन नहीं होता है। इसके लिए स्पेशली जो है डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स इज रिक्वायर्ड। तो आप इसको जो है कैमरे को ये केबल, साथ में इसमें जो केबल प्रोटेक्शन होती है, केबल प्रोटेक्शन भी इस तरह की होती है कि इसको ये हाइड होती है। दैट मीन्स कि ओपन एरिया में कोई भी आपको केबल नजर नहीं आएगी, तो जिससे कि इसको आप कट भी नहीं कर सकते। साथ में इसके अंदर जो कैमरा लेंस, अंदर जो लेंस होता है वो विजिबल, मतलब इजीली विजिबल नहीं होता कि कैमरा किस साइड में आपको देख रहा है। तो दैट मींस कि आपको ये कैमरा थोड़ा सा हाइड करने के लिए यूज किया जाता है कि इसमें इसको इजीली कोई टर्न नहीं कर सकता, इसको मूव नहीं कर सकता, दूसरी डायरेक्शन में नहीं भेज सकता है इसको। और इसके जो एप्लीकेशन जैसे होते हैं कि भाई मेट्रोज में है, इसका एप्लीकेशन एटीएम में है, इसका एप्लीकेशन मिलिट्री सर्विसेज में यूज किया जाता है और गेमिंग वगैरह में भी इसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट कैमरे पे हम चलते हैं, ये होता है सी माउंट कैमरा। सी माउंट जैसे इसमें, इसमें क्या होता है कि इसके जो लेंस है वो वेरिएबल होते हैं। दैट मींस कि आपको अगर इसका आयरिस कंट्रोल, दैट मींस कि इसका जो लेंस है और फोकस है, दोनों ही एडजस्ट किया जा सकता है और डिफरेंट डिफरेंट लेंसेस इसमें आप लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ज्यादा लंबी डिस्टेंस देखनी है तो आप उसके अकॉर्डिंग एमएम लेंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें ये ज्यादातर जैसे फोटोग्राफी या जहां पर आपको डिस्टेंसेस डिफरेंट डिफरेंट चेंज करना पड़ता है ये, तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं। फोटोग्राफी में भी काफी यूज किया जाता है क्योंकि डिस्टेंसेस वो एक ही पोजिशन पे खड़े होके फोकस करना पड़ता है इसके लिए। तो ये कैमरा थोड़ा सा हैवी होता है, बल्कि होता है, इसलिए ये कैमरा नॉर्मली यूटिलिटीज या लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, फूड इंडस्ट्रीज में किया जाता है, जहां पर कि टेम्परेचर हाई होता है या टेम्परेचर लो होता है, तो एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड दोनों की कंडीशन में ये क्लियर व्यू देता है। और इसकी रेंज भी अच्छी होती है कि दैट मीन्स कि आप लेंस चेंज करके इसकी रेंज को इंक्रीज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कैमरा जो आता है ये है डे एंड नाइट कैमरा। ये नॉर्मली कैमरा जो है, पहले इसको एनालॉग कैमरे के नाम से जानते थे, अब आज की डेट में ये जो है HD कैमरा होता है, तो हाई डेफिनेशन कैमरा। दैट मींस कि इसका जो रेजोल्यूशन होता है वो मार्केट में 1MP, 2MP, 5MP, 8MP ये अवेलेबल है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट सीरीज हैं, इसमें इको लाइट सीरीज भी हिकविजन के अंदर अवेलेबल है, जैसे अगर हम हिकविजन की बात करते हैं, और साथ में इको सीरीज भी अवेलेबल है एंड प्रीमियम सीरीज भी अवेलेबल है। तो दैट मींस कि इसके अंदर जो लेंसेस होते हैं वो फिक्स लेंस होते हैं। इसमें 2.8mm भी लेंस आता है, 3.6 भी आता है एंड इसमें 6mm भी आता है और 8mm भी आता है। तो दैट मींस इसको
बट इसको आपको अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा आपको लेंस इसके अंदर यूज करना है। और ये इंफ्रारेड होता है कि यानी रात में भी आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देता है। और इसका नॉर्मली इस्तेमाल जो है, यूज जो होता है वो ऑफिसेस में, गोडाउन्स में, शॉप्स पे और शोरूम्स वगैरह में यूज किया जाता है। और दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैमरा। तो ये अगर आप नॉर्मल कैमरा लेना चाहते हैं तो आप इसको चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें आता है कलर व्यू कैमरा, ये नया मॉडल है, नया अभी अभी सभी कंपनीज जो है सीपी प्लस, डेउआ, हिकविजन सभी लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इस कैमरे को। पहले एक नॉर्मली एक स्टैंडर्ड था कि नाइट में जो है इमेज कलर नहीं आती है, दैट मीन्स ब्लैक एंड व्हाइट इमेज आती है। तो यहाँ पर जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये नाइट की इमेज जो कन्वेंशनल हमारे जो एचडी कैमरेज हैं उनकी इमेज है। तो इसमें आप यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द कलर ऑफ द व्हीकल, बट इन कलर व्यू कैमरा अगर लो लाइट कंडीशन भी है तो उसके अंदर भी आप उसकी कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये कलर को रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो ये इसके अंदर अच्छा फीचर अवेलेबल है और ये आज की डेट में काफी पॉपुलर भी है। एंड देन नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो ये आता है माइक्रो कैमरा। और माइक्रो कैमरे के अंदर क्या होता है कि इसमें हिडन कैमरे भी अवेलेबल हैं। इसमें ये नॉर्मली जो है सर्विलेंस पर्पज के लिए यूज होता है और सर्विलेंस एक्टिविटीज में, स्टिंग ऑपरेशंस में इसको यूज किया जाता है। इसमें सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ये है पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा इज ए फिक्स कैमरा और इसका जो लेंस होता है वो पिन होल यानी पिन की टिप की तरह होता है। और इसमें आप जो है इसको कहीं पर भी हाइड कर सकते हैं, किसी भी चीज में हिडन कर सकते हैं। लेकिन मतलब इसको यूज करने से पहले ये ध्यान रखना होता है कि इसको गलत पोजीशंस पे आपको नहीं इंस्टॉल करना है। इफ यू आर इंस्टॉलर देन यू हैव टू टेक द परमिशन। आपको बिना परमिशन के इस कैमरे को इंस्टॉल नहीं करना है, अदरवाइज यू कैन बी इन द प्रॉब्लम। तो इसलिए ये विद द परमिशन ही आपको इंस्टॉल करना होता है, क्योंकि हिडन कैमराज है तो इसका गलत इस्तेमाल ना हो जाए। इसी तरीके से ये बटन कैमराज है तो ये आप यूज कर सकते हैं, ये नॉर्मली सर्विलेंस पर्पज के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है वाईफाई कैमरा। तो वाईफाई कैमरेज जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है कि वाई मतलब मींस दैट मींस इसके लिए आपको केवल पावर की जरूरत होती है और इसमें आपको मेमोरी कार्ड इसके अंदर लगता है, दैट मींस की रिकॉर्डिंग जो है इसके अंदर ही हो जाती है। और आप इसको वाईफाई के थ्रू आप कहीं से भी देख भी सकते हैं, कहीं से भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। और साथ में ये कैमरा जो आप ये इंडोर कैमरा है, ये भी इंडोर कैमरा है एंड दिस विल बी द आउटडोर कैमरा। इसमें दो एंटीनेस होते हैं तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल हैं। और अगर आप एक या दो कैमरे इंस्टॉल करने की सोच रहे हैं और आप नहीं चाहते कि भी आपको डीवीआर वगैरह इंस्टॉल करना पड़े तो आप इस कैमरे को यूज कर सकते हैं। और इसको आप यूज करने के लिए आप अपने इसके आपके मोबाइल पे ये एक्सेस हो सकता है और आप यू कैन सी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये कैमरे अगर आप एक दो कैमरे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये कैमरा दिस कैमरा इज द बेस्ट। एंड ये जो कैमरा है ये इंडोर कैमरा है, 360 डिग्री रोटेशन है, इसमें मूवमेंट ट्रैकिंग है। तो आप इसको चाइल्ड केयर वगैरह के पर्पज से भी इसको यूज कर सकते हैं। और ये जो कैमरा है आउटडोर कैमरा है, इसमें फ्लैश लाइट्स वगैरह भी होती हैं तो ये उस पर्पज में आप यूज कर सकते हैं। अगर सिंगल कैमरा ये कैमरा इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये दिस कैमरा इज द बेस्ट कैमरा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है पीटीजेड कैमरा। तो पीटीजेड जैसा कि नाम से ही पता है कि पैन टिल्ट एंड जूम, तो ये पैन मतलब मीन्स 360 डिग्री रोटेशन के काम आता है। इसको टिल्ट कर सकते हैं, अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं, इसको जूम कर सकते हैं। तो जूम डिफरेंट 15x, 30x, 50x इसमें जूम कर सकते हैं। थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन ये आउटडोर कैमरा है, ज्यादातर यूज होता है। और ये ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है कि कोई पर्सन अगर मूव कर रहा है तो वहां से मूव ये उसके साथ साथ उसको अपने कैमरे की मूवमेंट को कैप्चर कर लेता है। और साथ में ये जो है डिटेक्शन यानी काउंटिंग पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है अलोंग विद द सॉफ्टवेयर। और इसको सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करके आप इसको किसी भी डायरेक्शन में आप इसको फिक्स कर सकते हैं और रिमोटली इसको कंट्रोल कर सकते हैं सर्विलेंस सेंटर से। इसी तरीके से नेक्स्ट जो कैमरा आता है दैट विल बी आईपी कैमरा। तो ये दिस इज द मोस्ट यू कैन से पॉपुलर कैमरा, एचडी कैमरा जो होता है उसके इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एचडी कैमरा तो उससे ये थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड कैमरा होता है जो आज की डेट में डिजिटल कैमरा होता है।
और ये ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किया जाता है जहां पर आपको नंबर ऑफ कैमरेज ज्यादा होते हैं। जहां पर कैमरेज आपके नंबर ऑफ कैमरेज कम है तो यू कैन इंस्टॉल द एचडी कैमरास, बट इन आईपी कैमरास द पिक्चर क्वालिटी इज बेटर देन द एचडी कैमरा ऑफ द सेम एमपी। तो ये भी कैमरेज जो है 1 MP से लेके 8 MP तक अवेलेबल है मार्केट में, और इसमें एनवीआर आपको इंस्टॉल करना होता है, वायरिंग की कॉस्ट इसमें काफी कम हो जाती है, कैमरे की कॉस्ट थोड़ी सी हाई होती है एचडी कैमरे से, बट वायरिंग कॉस्ट कम हो जाती है, एनवीआर की कॉस्ट कम हो जाती है। तो दैट मीन्स कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल कॉस्ट, तो ओवरऑल कॉस्ट आपकी कम हो जाती है। तो ये कैमरा आप इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपको आपको नंबर ऑफ कैमरे ज्यादा इंस्टॉल करते हैं, तो ये दिस कैमरा इज द बेस्ट ऑप्शन। और इसमें 90 मीटर्स की कैमरे की फायर की लिमिटेशन होती है, अगर आपकी लेंथ उससे ज्यादा जाती है तो यू कैन यूज मल्टीपल स्विचेस, आप मल्टीपल स्विचेस यूज कर सकते हैं, और यू कैन यूज द ऑप्टिकल फाइबर केबल। अगर आपकी डिस्टेंस ज्यादा होती है तो ऑप्टिकल फाइबर स्विचेस लगा सकते हैं और उससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जहां पर भी आपको कैमरेज, अगर नंबर ऑफ कैमरेज ज्यादा आपको लगाने होते हैं, जैसे कि मेट्रोज वगैरह में आप देखेंगे, मेट्रो स्टेशन हैं या बस स्टैंड हैं या रेलवे स्टेशन हैं, तो वहां पर ये यही कैमरा, आईपी कैमरा इस्तेमाल किया जाता है इन द प्रोजेक्ट सीरीज ऑल्सो। नेक्स्ट ये अगर देखेंगे तो ये एक पिक्चर है जो कि एनालॉग कैमरेज में की पिक्चर को हमने जूम किया है एंड ये आईपी कैमरे की पिक्चर को जूम किया है। तो आप देखेंगे कि क्लैरिटी, क्योंकि आईपी कैमरेज की क्लैरिटी 2 MP से लेकर 8 MP तक अवेलेबल है और एनालॉग कैमरे इज इन द 700-800 TBLs, तो क्वालिटी ऑफ द पिक्चर इज मच क्लियर इन द आईपी कैमरेज। एंड लास्टली अगर हम देखें तो ये है ANPR कैमरा। ANPR कैमरा मीन्स ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा। दैट मीन्स कि ये नंबर प्लेट को रीड कर लेता है। इसका जो मेजरली एप्लीकेशंस है वो पार्किंग में है, ये रोड्स पे यूज किया जाता है, और ये नॉर्मली एंट्री एग्जिट पे यूज किया जाता है, एंड ये थेफ्ट प्रोक्योरमेंट के लिए भी यूज किया जाता है कि आप इसको मीन्स ये नंबर को रिकॉग्नाइज रीड करके, फोटो स्नैप्स क्लिक करके, और ये डेटाबेस जो आपके पास डेटाबेस है आप उसे इंटीग्रेट हो जाता है, जिससे कि आप इसका कोई भी कंपेयर करके आप उसमें वो ले सकते हैं कि भाई जो भी थेफ्ट व्हीकल है अगर वो आपके डेटाबेस से मैच करता है तो इट विल इन्फॉर्म द सर्विलेंस सेंटर इमिडिएटली और यू कैन कैच। तो ये एक मतलब मीन्स सर्विलेंस ट्रैकिंग कैमरा है जिसको जो कि आपको पर्पस के लिए यूज होता है, या ऑटोमेटिक यू कैन से कि ये डोर ओपनिंग के लिए या फ्लैप बैरियर्स के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।